आई आई एम कॉजिकोदे में सिटी ऑफ़ कॉजिकोद में स्टेट ऑफ केरला में है इंडियन बिजनेस म्यूजियम लाल बाग बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा आता है चार से ज़्यादा राज्यों में फोर प्लस स्टेट्स में अगर स्टेट पार्टी है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो वो रिकोगनाइज़ हो सकती है एज अ नेशनल पार्टी सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन आज के सवाल हैं च इज़ द हाइएस्ट पीक इन अरावली रेंज अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले एक डेढ़ साल में कॉन्टिन्यूसली इस पर न्यूज बनी है अरावली रेंज द स्टेट इन इंडिया हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल रेगुर विच आर्टिकल आर्टिकल्स डिटेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवामेंट किस आर्टिकल में स्टेट को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट के बारे में कहा है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हु अलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एम्पावर्स टू इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल ये हाई कोर्ट है सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है Abjure. Abjure का मतलब होता है उसको रिनाउंस करना सोलमली रिनाउंस रिजेक्टिंग योर स्किल्स मतलब तेज कर रहे हो शार्पन शार्पन मेक शार्पर फॉर गो मतलब त्यागना डिक्लाइन टू टेक समथिंग प्लेजेंट और वैल्यूएबल गो विदऊ पैरोज का मतलब होता है संकीर्णता नेरो माइंडेडनेस अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक एस्पेशली फोकस्ड ऑन अ लोकल एरिया नैरो माइंडेडनेस लोकलिजम इंस्यूलैरिटी डायडेक्टिक का मतलब होता है वो चीज़ शिक्षाप्रद है इंटेंडेड टू टीच पर्टिकुलरली इन हैविंग मोरल इंस्ट्रक्शन सो इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो वोकेबुलरी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बहुत ज़रूरी है आज सेवेंथ ऑफ मार्च है आंसर राइटिंग हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन पे तैयार करेंगे और मेडिटेरेनियन सी की जोग्राफी हम रेडी करेंगे आंसर राइटिंग अब अपन न्यूज़पेपर वीडियो के साथ ही कॉन्टिन्यू करते हैं जो ये आंसर्स हैं प्लस टू साइकिल अपन फॉलो करेंगे बट क्विकली से विद इन टेन मिनट्स आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज सबमिशन्स जो आपने वेबसाइट में यहाँ पे सबमिट किए हैं आंसर्स इससे एक्चुअली अपना थोड़ा टाइम भी सेव होगा और अपन जी का और सी सेट की क्लासेज है इसको ज़्यादा प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखनी है ब्रेक नहीं करनी है बट अब इतने दिनों में यू ऑल नो द बेसिक्स तो हम क्विकली इसका रिव्यू कर पाएंगे और आप इसको कंटिन्यू करो एक आंसर तो एटलीस्ट लिखना चाहिए एवरी ये आपको ओवरऑल जो स्टडी प्रिपरेशन है उसमें बहुत बेनिफिट करेगा रिगार्डिंग द पी डी एफ तो रसेंद्र विलिपेयरिंग दिस पी डी एफ इसका कंपाइलिशन आई एल शेयर आई एल ट्राई टू शेयर बाई इवनिंग ओके सो दिस इज सेवेंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आज का जो रेफरेंस मटीरियल है दिस इज द हिंदू आज हम देखेंगे इवैकुएशन हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स का फ्रॉम फ्रॉम यूक्रेन सी बी आई अरेस्ट फॉर्मर एन एस सी एम डी चित्रा रामकृष्णा दिस इज स्कूल्स मस्ट वेकअप टू द नीड्स ऑफ एल जी बी टी चिल्ड्रन एंड दिस इज सीवर दैली पोल मैटर्स है देन वी विल टॉक अबाउट विमेन्स राइट ये बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे जेंडर जस्टिस की बात किया है टी जी पी समेरी गुड इनसाइट्स यहाँ पर है देन दिस इज कैमल आर्ट पंजाब की वेटलैंड्स एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल क्वाड quad के बारे में नॉर्ड स्ट्रीम कॉन्फ्लिक्ट सोशल मीडिया वॉरफेयर कैसे होता है और टेक कंपनी का अनबायस्ड होना क्यों जरूरी है अ सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड तालिबान अफगान दिस इज अबाउट रशिया सिविलियन ये अगेन न्यूज है बिकॉज सी आई एस एफ का अभी फाउंडेशन डे तो सी आई एस एफ किस तरीके से इवॉल्व कर सकती है चेंजिंग टाइम पे विल गेट टू नो ये हंसा एन है एयरक्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने पुणे मेट्रो में ट्रेवल किया यूक्रेन क्राइसिस और आज हम एजुकेशन का भी एक आर्टिकल देखेंगे देन वी विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड इंग्लिश सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स ऑल राइट सो लेट एस बिगिन फर्स्ट जो न्यूज़ है वो यूक्रेन से है 1915920, 15,920 नाइन इवैकुएटेड सो फार बट इट्स अ लॉन्ग वेट फॉर 700 इन सुमी तो इवैकुएशन हो रहा है बट अभी और इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है जो प्लान है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन गंगा में जो इंडियन सिटीजनज है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जो यूक्रेन में दे गॉट स्टक उनको यहाँ पर सेफली इवैकुएट किया जा रहा है एवरी मॉर्निंग टूडे इज़ द डे जो स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे सिटीजन् बिकॉज वॉर टोन कंट्री में सर्वाइवल लाइफ एवरी थिंग बहुत अनसर्टेन हो जाता है सो दैट इज़ वाई दे आर होपिंग टोडे इज़ द डे जब उनको इवैकुएट कर लिया जाएगा जो यूक्रेन है हमने इसका मैप भी देख लिया है जो बॉडरिंग कंट्री है उनके हेल्प से हम यहाँ पर सिटीजन्स को इवैकुएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी यहाँ पर वर्क कर रही है एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इसने भी बताया है कि अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द टू साइड्स यूक्रेन एंड रशिया एक सीज़ फायर होना चाहिए ताकि एक कॉरिडोर बने और उस कॉरिडोर में सारे स्टूडेंट्स को इवेक्एट कर दिया जाए सारे सिटीजन्स को एट्सेट्रा सो दिस इज़ सीज़ फायर फेल्स टू होल्ड अगेन उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और ये फाइनल फेज़ होगा अभी सीबीआई ने अरेस्ट किया फॉर्मर एन एस सी एम डी चित्रा रामाकृष्णा मैम प्रोप टू लुक इन टू प्रेफरेंशियल एक्सेस टू एक्सचेंज सर्वर तो एलिजेशन ये हैं कि एन एस सी में जो पोस्ट है एम डी का इसका मिस यूज़ हुआ है और जो इंफॉर्मेशन है वो आउटसोर्स आउटसाइडर्स को प्रोवाइड किया गया जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो इवन जो सर्वर्स हैं वो भी एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज नजर आए एक टर्म हमने देखा था और को लोकेशन को लोकेशन इससे क्या होता है स्टॉक मार्केट्स वगैरह में जैसे एल्गो ट्रेडिंग है सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं अगर इनको कुछ सेकंड्स का अर्ली एडवांटेज मिल जाए तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो स्टॉक्स वगैरह हैं उसको कैलकुलेट करके इसका टैम्पर किया जा सकता है दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी सो इस बात पे भी था प्लस जो पोस्ट का मिस हुआ है तो अभी ये अंडर सी ने अरेस्ट किया है अभी ये इन्वेस्टिगेशन होगा इसको अपन फर्दर जब और फाइंडिंग्स होगी तब अपन डिटेल में बात करेंगे इसे बात जो यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्स में वो है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी और हमने पढ़ा था जैसे सेबी ने भी बताया था जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दे आर टू बिग दे आर मेजर इंस्टीट्यूशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए किसी इंडिविजुअल की कारण किसी इंडिविजुअल के वर्क के कारण अगर पूरा इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सो दिस टेल्स की वी नीड अ बेटर मैकेनिज्म इन दिस इंस्टीट्यूशन हमेशा इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंदन करने की कोशिश होनी चाहिए सो दिस इज दै तो ये बात है द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब जो नेक्स्ट है वो है स्कूल्स मस्ट वेक अप टू द नीड्स ऑफ एल जी बी टी चिल्ड्रन जो परसेप्शन है पेरेंट्स का टीचर्स का दिस ऑट टू चेंज सॉलिडेरिटी गैदरिंग तो अवेयरनेस इस तरीके से यहाँ पे स्कूल एंड पेरेंट्स में स्प्रेड किया जा रहा है इवन टीचर्स भी देन यहाँ पर है जो 505 किलोमीटर सीवर नेटवर्क इंस्टॉलेशन सीवर नेटवर्क क्यों जरूरी है ताकि जो शहर का जितना भी सीवर है वो जो सीवर लाइन है बिफोर डिस्चार्जिंग इन यमुना उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए ट्रीटमेंट हार्मफुल केमिकल्स हो बैक्टीरिया हो पैथोजन हो एट्सेट्रा उसका एटलीस्ट एक ट्रीटमेंट हो सो so दैट जो यमुना हमारी पॉल्यूट हो जाती है रिवर इसको हम सेफगार्ड कर पाए तो दिस इज अबाउट सीवर नेटवर्क इनोग्रेशन ऑफ स्कूल हेल्थ क्लिनिक नो दिस इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्कूल लेवल पे बच्चों को बेसिक प्राइमरी एड्स बेसिक उनका हेल्थ केयर पे ध्यान देना दिस इज अ गुड मूव पोल मैटर्स लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शन लैक्सिटी इन सेविंग ट्रीज एकेलेक्टिक मिक्स ऑफ सिम्बल्स इन अपकमिंग सिविक पोल एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था एक्लेक्टिक पेज नंबर सिक्स वीमेन्स राइट ये है डिग्निटी right, कल एट्थ ऑफ मार्च भी है वीमेन्स डे Ensure जेंडर जस्टिस इन पुलिस फोर्स says डी जी पी इसमें कुछ बहुत अच्छे इंसाइट दिए हुए हैं हमारे यहाँ जो पुलिस फोर्स है पुलिस फोर्स में अगर जैसे वुमेन को कंप्लेन करना है तो एट टाइम्स जो पुलिस स्टेशन होते हैं यहाँ का जो एटमोसफियर है यहाँ पे जो स्टाफ है तो वहाँ पे भी विमेन वर्क फोर्स होना जरूरी होता है सो दैट दे फील कम्फर्टेबल कि वहाँ पे पुलिस एक फ्रेंडली है जो प्रॉब्लम्स सुन रही है सो द पॉइंट इज इसमें दो पहलू हैं पहला पहलू तो ये है कि सारा स्टाफ चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसको जेंडर सेंसिटाइज करना जरूरी है ताकि एक बेसिक किस तरीके से एड्रेस करना है जो कंप्लेन लेके आया है एक बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए बी इट मेल और फीमेल सेकेंड जो फीमेल ऑफिसर्स हैं फीमेल वर्क फोर्स है इनका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना भी ज़रूरी है सो द पॉइंट इज इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द वेमेन वर्क फोर्स इन द पुलिस जो केवल दस प्रतिशत है सी दिस इज सो स्क्यूड कि केवल टेन परसेंट पुलिस फोर्स ही फीमेल है सो द पॉइंट इज वेमेन वर्क फोर्स दस से बढ़ा के करीब पचास प्रतिशत हो so that women should free to visit police station any hour of the day. this we need to do. ensure the safety of women and a better presence of women officer is a step towards that. इसी से एक related हमने एक और initiative देखा था जो beat beat policing होती है. beat policing क्या होती है? police जो है police जो है वो मतलब गली मोहल्ले में या फिर ऐसे वहाँ पे inspection कर रही है कि कोई crime नहीं है या कोई untoward incident नहीं हो रहा है तो ये जो बीट पुलिस है इसमें दिल्ली में अभी जो विमेन ऑफिसर्स हैं इनको काफ़ी रोल इन प्रोप इन किया था विमेन ऑफिसर्स तो एक्चुअली क्या होता है बीट पुलिसिंग में अगर विमेन ऑफिसर्स जा रही हैं तो जो विक्टिम है या फिर जो वेमेन सेक्शन है दे फील बेटर टू इंटरेक्ट विद विमेन ऑफिसर इन टेल देयर प्रॉब्लम सो दिस इज अगेन एक इनिशिएटिव था तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है बेटर प्रेजेंस ऑफ विमेन ऑफिसर्स इन स्टेप टूवर्ड्स दैट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए शी एडिड दैट विटनेस प्रोटेक्शन लॉज होना चाहिए और सेंसिटिव केसेस जो होते हैं इसको हैंडल करना भी आना चाहिए ये प्रॉपर मैनुअल में होना चाहिए पुलिसिंग के विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं फॉर दिस जेंडर जस्टिस सो ये सब चीज़ें जरूरी है फॉर जेंडर जस्टिस एंड वूमे सेफ्टी ऑल राइट ना लेटस बिगिन दिस इज कैमल कैमल आर्ट ये क्या है डेकोरेटेड कैमल है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बीकानेर कैमल फेस्टिवल इन राजस्थान ऑन संडे बीकानेर कैमल फेस्टिवल एक पुष्कर का मेला भी लगता है राजस्थान में कैमल फेस्टिवल दिस न्यूज इज अबाउट विंग्ड विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड फ्लॉक टू द वेटलैंड इन पंजाब वेटलैंड इन पंजाब ये विंड विजिटर्स क्या हैं ये होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है सीजन चेंज होता है सेंट्रल एशिया रशिया में है विंटर्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये टूवर्ड्स इक्वेटर साउथ में ऐसे ट्रेवल करती हैं सो दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं अक्सर ये स्टॉप करती हैं इंडिया में सेंट्रल एशिया से आ रही हैं साउथ में जाएंगी से एक स्टॉप ओवर हो गया इनका पंजाब में तो द आइडिया इस जब इनका स्टॉप ओवर है यहाँ पे तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है अक्सर ये जो वेटलैंड है वहां पर ये स्टॉप ओवर करती है एवरी इंडिया एवरी विंटर बर्ड्स मेक वे टू इंडिया थ्रू द सेंट्रल एशियन फ्लाई वे सो ये ऐसा सीजनल माइग्रेशन करती है अब यहाँ पे कौन सी वेटलैंड है एक है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोपर कंजर्वेशन रिजर्व हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजली वेटलैंड केशोपुर म्यामी कम्युनिटी रिज़र्व और रंजीत सागर कंजर्वेशन रिजर्व इनके नाम याद रखने हैं अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया कि ये कंजर्वेशन साइट कहाँ पर है तो दीज ऑल आर इन पंजाब नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोपर कंजर्वेशन रिजर्व हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजली वेटलैंड केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रंजीत सागर कंजर्वेशन रिज़र्व ये सारे वेटलैंड हैबिटेट्स हैं सिक्स इन नंबर ये हैं पंजाब में तो यहाँ पे स्पीशीज स्पीशीज रिचनेस भी है फ्लॉक्स नॉर्दर्न लैपविंग आ रहा है 191 नाइनटी वन ऑब्जर्व हुआ है अभी गुरदासपुर में सो दिस इज़ गुड जब इस टाइप का बायोडाइवर्सिटी नज़र आता है दिस कि दिस इज़ अल्दी इको सिस्टम हेल्दी इको सिस्टम डाइवर्स साइटिंग अब इस टाइम पे ये जो स्पीशीज होती है वो काफ़ी वलनरेबल भी होती है तो ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन इनको कंजरवेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी है सो विंग्ड विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड फ्लॉक टू द वेटलैंड इन पंजाब देन दिस इज कंजरवेशन विद प्राइवेट स्कूल्स और ये है क्वाड्रिलेटरल क्यूजीनेस मतलब काइंड ऑफ अनइीनेस क्वाड्रिलेटरल क्वाड जो है क्वाड में है इंडिया यूएसए जापैन और ऑस्ट्रेलिया यूएस ए जापैन ऑस्ट्रेलिया और इधर आ जाता है रशिया इन तीनों ग्रुप का रशिया के साथ यूक्रेन क्राइसिस में दे आर एट लॉगर हेड्स बट इंडिया रशिया का इम्पोर्टेंट पार्टनर भी रहा है डिफेंस का भी हमारा क्लोजर टाइज है तो इंडिया को अब डिफिकल्टी हो रही है एक तरफ क्वाड है और दूसरे रशिया के साथ टाइज है दैट इज़ वाई दिस अनइजीनेस इंडिया कैन नॉट बी फोर्स टू पिक अ साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट बट रशिया कु टेस्ट इट्स रिजोल्व तो अब ये डिफ़िकल्टी आ रही है इंडिया साइड्स कैसे ले? एक तरफ रशिया हो गया दूसरी तरफ यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान का क्वाड तो ये बात अभी यहाँ चल रही है डायलॉग्स हैं टेरिटोरियल मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंडो पैसिफिक पे ये आंसर भी हमने तैयार किया है इंडो पैसिफिक जो पुराने आंसर्स हैं ना वेबसाइट में जाके उसको ऐसे सर्च करोगे सर्च ऑप्शन में तो ये सब नज़र आ जाएंगे वहाँ पे। इसका टाइम टू टाइम रिविज़न हमें करना चाहिए तो सोवर्निटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोजन नहीं होना चाहिए इनडायरेक्टली जो क्वाड था वो जो चाइना का नेफेरियस डिज़ाइन साउथ चाइना सी में है उसको काउंटर करने के लिए भी था बट अब रशिया का यूक्रेन इन्वेजन के बाद इक्वेशंस काफ़ी बदल गई है इंडिया जो है अभी यू रेजोल्यूशन में एब्सटेन रहा जो रशिया के अगेंस्ट है कंसिडरेबल डिफ्रेंस है रशिया और यूक्रेन इशूज़ में भी क्वाड मेंबर का जो परसेप्शन है अब इसमें यह देखना होगा इंडिया कैसे आगे वे फॉरवर्ड रखता है बट इंडिया ने यह क्लियर कर दिया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यू रहेगा डिज़ास्टर रिलीफ मैकेनिज्म कॉन्टिन्यू रहेगा तो यूक्रेन क्राइसिस इज देयर बट स्टिल यूक्रेन क्राइसिस में भी इंडिया एम्फेसिस कर रहा है कि बात डायलॉग्स के थ्रू होनी चाहिए कम्युनिकेशन के थ्रू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए सिविलियन जो लाइफ है वो सेफ होनी चाहिए तो अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का नया वेरिएंट नैम अभी फिर न्यूज़ में है अब हमने इस पर भी आंसर राइटिंग कर लिया वी आर रीडिंग वेरी सिस्टमेटिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ बी रेगुलर एंड डू द होमवर्क थोड़े ही टाइम पे आप यू विल सी कि कनेक्टिंग द डॉट्स हर पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा नॉन अलाइनमेंट पैराडाइम कल ही हमने इस पर देखा सो द पॉइंट इज इसमें इंडिया कैसे आगे बढ़े साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल एट प्लेइंग हार्डबॉल विद द मैंडर एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट गेटिंग अ काटसा वेवर ऑफ दिस 5.43 बिलियन वर्थ का जो हमने रशियन ट्राइम एस फोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया मतलब कि एस फोर मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया यूएसए को काटसा लगाना था काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्जरी टिल नाओ हमने इसको अच्छे से स्टॉप किया है इसको होने नहीं दिया बट अगर यूक्रेन क्राइसिस बढ़ेगा तो ये काटसा का भी थ्रेट रहेगा कि यूएस हम पे फिर काटसा लगा सकता है दिस इज ऑल्सो वन थिंग तो द आइडिया इज इंडिया का जो अलाइनमेंट है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के साथ है इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वो रूल बेस्ड होना चाहिए नाटो कंट्रीज और इवन रशिया कैन फोर्स सोवर नेशन विद अ प्राउड हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू पिक अ साइड बट अब डिफिकल्टी ये आ रही है कि एक तरफ नाटो एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर फॉर्मर यूएसएसआर दिस रशिया रशिया सो द पॉइंट इज़ इस पूरे बैकड्रॉप में हम कैसे नेविगेट करें अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया को क्वाड एलिएनेट भी नहीं कर सकता बिकॉज अगर क्वाड को इंडो पैसिफिक में सक्सेस लेनी है तो इंडिया वहाँ पे होना ज़रूरी है अब इन सारे कार्ड्स को इंडिया को बहुत अच्छे से प्ले करना पड़ेगा एट द सेम टाइम जो हमारा इमेज है वर्ल्ड में हम ग्लोबल पावर बनने की एम्बिशंस भी रखते हैं सो द पॉइंट इज इंडिया को टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली और एट टाइम्स एक स्ट्रांग विल्ड स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़े तो देना चाहिए जीनीवा कन्वेंशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रीटीज ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है इसको कोलेप्स नहीं होने देना चाहिए तो रशिया पे भी अब ये देखना होगा किस तरीके से ये यूक्रेन का वॉर आगे बढ़ता है अकॉर्डिंगली इंडिया फिर यहाँ पे स्टैंड लेगा इन सब चीज़ों में हमें इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट या फिर जो हम न्यूज़ मीडिया में ऐसा देखते हैं इसके बजाय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का व्यू पॉइंट है वो फॉलो करें तो हमारे लिए बेटर होगा बिकॉज ये जो एम बोल रहा है इसको अपन आंसर्स इंटरव्यूज़ में बोल सकते हैं लिख सकते हैं बाकी ये जो नॉइज़ होती है जो अपन देखते हैं न्यूज़ मीडिया एटसेट्रा में दीज आर नॉट फॉर्मल टॉक्स दिस कुड नॉट बी रिटर्न इन योर आंसर आंसर कॉपी ओके इन सेंशन बाईट नॉर्थ स्ट्रीम टू इन द क्रॉस हेयर्स क्रॉस हेयर्स मतलब अब नॉर्थ स्ट्रीम का फ्यूचर ब्लीक लग रहा है सी नॉर्थ स्ट्रीम क्या है ये है रशिया रशिया के पास नेचुरल रिजर्व हैं ऑयल गैस रिजर्व हैं और ये है जर्मनी जर्मनी को बहुत ज़्यादा जो नेचुरल गैस का सप्लाई है वो मिलता है रशिया से तो पहले एक पाइपलाइन बनाया नॉर्थ स्ट्रीम ये सफिशिएंट नहीं था अभी एक और स्ट्रीम नॉर्थ स्ट्रीम टू बनाने की बात हुई बट द पॉइंट इज ये कंप्लीशन हो ही रहा था कि यूक्रेन क्राइसिस हो गया अब जर्मनी को भी साइड्स लेना पड़ेगा नाटो का ग्रुप है तो जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम को बंद कर दिया अब जर्मनी डिपेंडेंट है रशिया पे यूरोप डिपेंडेंट है गैस के लिए नेचुरल गैस के लिए ये जो सेंक्शन है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली बिकॉज रशिया इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन जर्मनी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रशिया इवन रशिया को भी जर्मनी और यूरोप की जरूरत है वो आइसोलेट होकर अपनी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा बट अब यहाँ पे बात है दिस इन्वेजन का और इंटरनेशनल रूल जो है रूल ऑफ वर्ल्ड है इसको इम्प्लीमेंट कराने का लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है अभी अगर अपन अंडर करेंट्स देखें ना तो बहुत सारे वर्ड्स जैसे यू भी है बहुत सारे कंट्रीज जैसे जर्मनी भी है ये सब अब वापस अपनी पॉलिसी रिविजिट करने की सोच रहे हैं जैसे जर्मनी ने बोला था वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बट अब दो प्रतिशत ऑफ जीडीपी वापस वेपन्स एंड ऑल में डिफेंस में वो एक्सपेंडिचर करने वाला है यूएसए वापस जो है ऑयल एंड शेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है जो इवन यूरोप है वो डी न्यूक्लियराइज मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको अपोज कर रहा था बट अब यूरोप फिर से न्यूक्लियर एनर्जी और इसकी तरफ पुश करने का फिर से प्लान बना रहा है तो ये जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ है इसने बहुत सारी इक्वेशंस फिर से चेंज हो गई है कल एक और आर्टिकल में देख रहा था क्या वर्ड फिर से डिग्लोबलाइज हो रहा है डीग्लो ग्लोबलाइज -glo हमने पहले वर्ड देखा था जब कोविड का थ्रेट आया था रिस्ट्रिक्शंस लगे डी की बात थी अभी यूक्रेन क्राइसिस में जिस तरीका तरीके से रशिया पे सेंकशंस लगे वीज़ा बंद हो गया यहाँ पे रुपए बंद वीज़ा बंद हो गया और स्विफ्ट सिस्टम बंद हो गया ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के जो मॉडल्स हैं वो बंद हो गए इंटरनेशनल कंपनीज़ आगे देखते हैं टेक कंपनीज़ यूजली न्यूट्रल होती है बट जो वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी टेक कंपनीज हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड लेड टेक कंपनीज़ हैं उन्होंने सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे तो ऐसा तो ये नेक्स्ट डे किसी दूसरे कंट्री के साथ भी कर सकते हैं से इंडिया चाइना का क्लैश हुआ देन वॉट सो द पॉइंट इज़ वर्ल्ड अब जो कंट्रीज़ हैं वो सेल्फ रिलायंट के लिए भी अब ज़्यादा फोकस हो रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से इंडिया भी सेल्फ रिलायंट की बात कर रहा है प्राइमरली यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम टू है एंड सी यूरोप इसको कैसे डील करता है पूरे वर्ल्ड में जो है एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कंट्रीज आर ट्राइंग की एनर्जी सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंस वो लाए कॉन्फ्लिक्ट एंड अ सेटिंग चेंज फॉर सोशल मीडिया यहाँ पे अगेन बात है साइबर स्पेस जो है इसको कैसे डील करें आज अगर अपन ट्विटर देखो यूट्यूब देखो एटसेट्रा यहाँ जो भी नैरेटिव है वो प्रो यूक्रेनियन चलता है वाई बिकॉज ये जो मीडिया हाउसेज हैं ये प्रो वेस्ट है सो द पॉइंट इज़ रशिया का वर्ज़न नहीं है रशियन चैनल्स बैन भी हो गए हैं बहुत जगह तो इस तरीके से कई बार जो है ओपिनियन फॉर्मेशन भी होता है साइबर स्पेस को साइबर वॉरफेयर के लिए यूज़ किया जाता है अब यहाँ जो बात आती है वो होती है टेक न्यूट्रलिटी की हमेशा ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं ये न्यूट्रल रहती है न्यूट्रल पॉलिटिकल मैटर्स में ये नहीं कुछ बोलती हैं कुछ ही टाइम पहले देखा गया पाकिस्तान ने पाकिस्तान के नेफेरियस डिज़ाइन ने टेक्निकल कंपनीज जैसे हुंडई हुआ एट्सेट्रा इनके सोशल मीडिया पोस्ट से इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की कोशिश की जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है फिर इन टेक कंपनीज़ ने यहाँ पे अपोलॉजी एंड क्लैरिफिकेशन रिलीज़ किया बट ये क्या ट्रेंड दिखा रहा था कि जो टेक कंपनीज हैं या फिर जो कंपनीज हैं वो पॉलिटिकल मैटर में घुस रही हैं तो विच इज़ अगेन नॉट राइट सिमिलरली अगर अपन रशिया और यूक्रेन की बात करें तो दिस इज अ पॉलिटिकल मैटर दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैटर बट द वे एप्पल ने सेल बंद कर दिया गूगल ने बंद कर दिया लाइक दैट ट्विटर एट्सेट्रा फेसबुक बैन हो गया है लाइक दैट तो ये जो टेक न्यूट्रैलिटी है क्या ये अभी एग्जिस्ट हो रही है वीजा अब अब वीजा ने जिस तरीके से ऑपरेशन बंद कर दिया ऑल ऑफ अ सडन कि उसके कार्ड्स अब वर्क नहीं कर रहे हैं रशिया में तो अब क्या फ्यूचर पे कोई वीज़ा पे ऐसे रिलाई कर पाएगा पूरे वर्ल्ड में तो ये कंपनीज अब क्या ग्लोबल से होके केवल यूएस कंपनी बन के रह जाएंगी ये सवाल है पॉलिटिकल इश्यूज अलग होते हैं टेक कंपनीज या इन जनरल जो कंपनीज की पॉलिसी होती है दोनों में जो जिस तरीके से मिक्स हो रहा है एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है दिस इज़ अ रेड फ्लैग दिस इज अलार्म सोशल मीडिया कई बार एक टेक न्यूट्रलिटी में इनका अलगोरिदम होता है ये पर्टिकुलर नैरेटिव को प्रमोट करते हैं ये हर जगह होता है इवन यूट्यूब में भी होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियोस प्रमोट किए जाएंगे बिकॉज वो वायरल होते हैं वो ज़्यादा आईबॉल्स कैच करते हैं तो ये उनके लिए भी ठीक है टेक कंपनीज के लिए भी ज़्यादा व्यूवर्स आएंगे ज़्यादा उनका दिस अप्रोच बढ़ेगा रीच बढ़ेगा प्लेटफॉर्म का बट इससे क्या जो दूसरा वैल्यू सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर है इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है ये अकाउंटेबिलिटी सेट कराना भी बहुत ज़रूरी है कॉरपोरेशन इन प्रॉब्लम्स हैं सिस्टेमेटिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है दे आर टू बिग उनके पास आपका हर इंफॉर्मेशन है सो द पॉइंट इज़ ये जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये कई बार आप देखो जो भड़काऊ चीज़ें होती है उसको ज़्यादा इंकरेज करते हैं बिकॉज ऐसी चीज़ों पे आई बॉल ज़्यादा आएंगे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे बट फिर जब वो फ्रेंकेंस्टाइन मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर दे स्टार्ट एक्टिंग इन स्टार्ट बैनिंग इन दिस एंड दैट द पॉइंट इज एक प्रॉपर रूल्स गाइडलाइंस फर्स्ट प्लेस से ही होना चाहिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी फॉल्स शॉर्ट इसके बाद क्लियर प्रोटोकॉल होना चाहिए मीडिया प्लेटफॉर्म का ओवरऑल यही टोन है इसका कि जो टेक हाउसेज हैं कंपनीज हैं अगर मल्टी नेशनल कंपनीज हैं ग्लोबल कंपनीज हैं तो इनकी अकाउंटेबिलिटी वर्क स्फेयर डिसीजन मेकिंग इस पे एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे रेगुलेशन एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए ओके सो दिस इज़ देयर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर सोशल मीडिया में ताकि मल्टीट्यूड ऑफ इवॉल्विंग फैक्टर्स को ये एड्रेस कर पाए बिकॉज आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है सेटिंग चेंज फॉर सोशल मीडिया अ वेरी एंड रिलक्टेंट एम्बरेस जिस तरीके से चाइना और तालिबान का दिस क्लोजर टाइज हो रहा है तो ये एक बुक है कॉमरेड एंड द मुला चाइना अफगानिस्तान एंड न्यू एशियन जियो पॉलिटिक्स अ सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड ये भी एक चीज है जैसे जो स्टूडेंट्स अभी आ गए यूक्रेन से अब इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है मेडिकल अब कैसे वो कम्प्लीट करेंगे क्या होगा तो देर टू बी सम पॉलिसी इस पर जल्द ही डिसीजन भी अभी आएंगे ऑपरेशन गंगा इज़ प्रूफ ऑफ India's ग्रोइंग क्लाउड स्टालिन एंड दिस इज रशिया Sanctions may नॉट डेंट आर्मी preparedness. अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है हमारे जो वेपन्स हैं जो cartridges हैं गन्स हैं बुलेट्स हैं ज़्यादातर जो अम्यूनिशन है वो रशियन backed है रशियन sourced है अब रशिया का अगर यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस वर्जन होगा तो हमारी प्रिपेडनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर सवाल है बट 2020 में जो गलवान क्राइसिस हुआ था तो स्टेटमेंट ये उसके बाद हमने सारे स्टॉक्स फिल कर रखे हैं हमारे पास स्टॉक्स पूरे हैं तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए बट अगेन दिस इज इशू दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू एस फोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑन द वे है इसका पेमेंट है फाइव बिलियन डॉलर अब क्या होगा इसका सी देन यहाँ बात है सी गाइडेंस सी सी आई एस एफ क्या होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में बना था साइलेंट कर्म योगी की तरह ये जो होती है ना ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो क्लस्टर्स है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इवन जो दिल्ली मेट्रो है वो भी सी आई एस एफ गार्ड करती है प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट में भी सी आई एस एफ करती है एक न्यूज़ आया था इन्फोसिस को भी सी आई एस एफ ने एक बार सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था तो इंडिया जैसे इकोनॉमिकली साउंड बन रहा है तो जो हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं यहाँ सिक्योरिटी ज़रूरी है तो इसके लिए सी आई एस एफ ज़रूरी है सी आई एस एफ के पास एट टाइम्स शॉर्टेज ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स होता है तो आइडिया ये है होम मिनिस्टर का कि क्यों ना अपन हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल बनाए सी आई एस एफ ट्रेन एंड सर्टिफाई करे इवन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी कुछ पार्ट दिस सेफ्टी सिक्योरिटी का आउटसोर्स कर दिया जाए तो ये बात है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ज़्यादा एफिशिएंट वे में करना तो दिस इज सी आई एस एफ सी आई एस एफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 सिक्सटी रेजिंग डे सी आई एस एफ देन दिस इज असेंबली पोल्स हंसा एन जी एयरक्राफ्ट बेंगलुरु में इसको ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है सी ट्रायल्स इसके फिनिश हो गए गुड तो सी ट्राइवल ट्रायल्स इसके हो गए नेसेसरी अब इसको अप्रूवल वगैरह भी मिल जाएगा डी जी सी ए का द गुड थिंग इज दिस इज इंडिजिनस मीट द नीड ऑफ फ्लाइंग क्लब्स इन इंडिया ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो ये भी एक अच्छी बात है हम एफिशेंसी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं एक्सपर्टीज ले रहे हैं एयरक्राफ्ट मैनुफेक्चरिंग की कुछ ही दिन पहले हमने देखा था से एच ए एल और जो फ्रांस का है फ्रांस हमने एक टाइप करने की बात किया था कि किस तरीके से अपन डोमेस्टिक इंजन भी बनाए फॉर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए फिफ्थ जनरेशन ये जो राफेल वगैरह है ये फोर पॉइंट फाइव जनरेशन है प्लस रफेल तो डायरेक्टली इम्पोर्ट किया है हमें ऐसे प्लेन्स भी चाहिए जो हम खुद बनाए खुद मैन्युफैक्चरिंग करें उसकी तो ये बात है इसमें क्वालिटीज़ हैं क्लाइम क्रूज लैंडिंग स्ट्रक्चरल नेगेटिव जी फोर्स ग्रेविटी ये सब इसका स्ट्रक्चर इंड्योरेंस करता है विच इज़ गुड तो ये एयरक्राफ्ट सर्टिफाई हो जाएगा और ये एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट यूज़ होगा देन पुणे में मेट्रो राइड एंड दिस इज चाइना यूक्रेन कैलकुलस ड्रिवन बाई री विद यू एस ए री वि यू एस वर्किंग ऑन डील टू सप्लाई पॉलिश जेट्स टू की जो यूक्रेन है इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है नाटो का वेपन्स इंटेलिजेंस टेक्टिकल सपोर्ट एट्सेट्रा रशिया एंटी वॉर प्रोटेस्टर एंड दिस इज यू एस वाउस सपोर्ट टू मोलडोवा एज वेल नॉर्थ कोरिया कंफर्म्स टेस्ट ऑन रिकोनासेंस सैटेलाइट वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिकोनासेंस कई बार हम ये वर्ड देखते हैं आई ने भी ये सैटेलाइट लॉन्च किया है रिकॉन देन दिस इज हाउ बुक बिल्ड आई आने वाला है टाइमिंग बहुत खराब हो गई अभी एल का आई आना था बट इस यूक्रेन क्राइसिस ने ना एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है देन दिस इज दिस इज एजुकेशन प्लस क्लाइमेट चेंज इन द क्लासरूम्स क्लासरूम्स में भी जो क्लाइमेट है क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें ये बताना चाहिए एक्चुअली जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं इनका एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव आता है फ्रेश माइंड है इनके पास एनर्जी है इनके पास ब्रेन है उसको डायरेक्ट करें तो ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं ये इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं रिमेंबर एक चीज़ आया था पहले अभी भी चलता है हैकाथॉन है हैकाथॉन में यही होता है कि प्रॉब्लम्स दी गई है उसका सॉल्यूशन निकालो नए नज़रिए से देखो नई प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो लाइक like दैट तो क्लाइमेट फाइट भी करना है ना तो यहाँ पे यंगस्टर्स को रोपन करना पड़ेगा दिस इज एसेंशियल एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज है कंपेलिंग कनेक्शन एजुकेशन स्टूडेंट्स जो है एक माइंडफुलनेस ऑनरशिप एंड कमिटमेंट लाए टूवर्ड क्लाइमेट क्राइसिस दिस इज एजुकेशन प्लस एड्रेस योर वीक एरिया और वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है देन टेक्सट एंड कॉन्टेक्सट में है अश्विन सेट्स न्यू रिकॉर्ड स्टेटलेस मार्केट सेंटिमेंट रशियन टोल प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर डेमोक्रेसी क्या होती है डेमोक्रेसी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल लाइक दैट तो दिस इज डेमोक्रेसी हमने बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखा थियोक्रेसी देखा डिक्टेटरशिप देखा एक्सेट्रा जो डेमोक्रेसी है दिस इज द बेस्ट वाई बिकॉज डेमोक्रेसी सेल्फ करेक्टिव होती है सेल्फ करेक्टिव होती है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब एक लेटेस्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट है वीडेम इंस्टीट्यूट का इंडिया का रैंकिंग थोड़ा अच्छा नहीं आया है यहाँ पे एवरेज ग्लोबल सिटीजन 2021 एक लेटेस्ट रिपोर्ट है वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन का डेमोक्रेसी कितना एन्जॉय कर रहा है एक एवरेज सिटीजन तो द पॉइंट इज ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें ना तो डेमोक्रेसी का जो फ्रीडम मिलनी चाहिए डेमोक्रेसी में वो थोड़ा बैकसीट आई है जैसे यहाँ कंट्रीज़ में देखा है डेमोक्रेसी से रिलेटेड कर्ब भी हैं स्पीच जो है वो कर्ब किया जाता है नाइन्टी थर्ड रैंक है नाइन्टी थर्ड रैंक है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स आउट ऑफ वन सेवेंटी नाइन कंट्रीज इंडिया का नाइन्टी थर्ड रैंक है ये सारे नोट्स है ना मैं इस पी में अच्छे से लगा दिए आप इसको आराम से रिवाइज करना ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी जैसे ये वीडेम इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेसी रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आया ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर तो इन्होंने जजमेंट एस्टिमेट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट 3700 ऐसा डेटा लिया इन्होंने और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाया डेमोक्रेसी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्लोज ऑटोक्रेसी ऐसे करके इंडिया का नाइनटी थर्ड रैंक है एल डी आई वन सेवेंटी नाइन कंट्रीज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना पता है वो अगेन यही हो रही है सोशल मीडिया सोशल मीडिया में जिस तरीके से नेरेटिव होते हैं आप एट टाइम्स फेसबुक देखो यूट्यूब देखो मतलब अटर नॉनसेंस बट द पॉइंट इज़ ये जो चीज़ होती है ना वो ब्रेन वॉश करती है बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश और फिर उससे क्या होता है भीड़ इकट्ठी हो जाती है भीड़ इकट्ठी होती है तो वो मोबोक्रेसी आ जाती है मोबोक्रेसी और मोबोक्रेसी मैड होती है मोबोक्रेसी ब्लाइंड होती है सो द पॉइंट पॉइंट इज मोबोक्रेसी कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए और ये चीज़ सोशल मीडिया की तरफ से जो नैरेटिव्स चल जाते हैं ब्रेन वॉश किया जाता है इससे दिस इज अ कॉज ऑफ वरी सो so, रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इन सब चीज़ों को कैसे डील किया जाए एक्चुअली इस तरीके से जब मास मोबिलाइजेशन होता है इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आते हैं फ्रॉम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उससे चीज़ें से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है के हो रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है सो द पॉइंट इज उसमें स्टेट के पास फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू कट द डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम है जैसे कैनेडा का एग्जाम्पल देखो कैनेडा ने हमको बहुत लेक्चर दिया था एट वन मोमेंट ऑफ टाइम बट जब कैनेडा में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और वो प्रोटेस्ट फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कैनेडा ने इमीडिएटली वहाँ पे सेंक्शंस लगाए और यहाँ पे सीवियर सीवियर यहाँ पे डिसीजनस लिए तो ये जो होता है ना ये गवर्नमेंट का कंपल्शन हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना है सो so, ये चीज़ होती है तो पॉइंट इज डेमोक्रेसी में जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम आ रहा है दिस इरेस्पॉन्सिबली जब सोशल मीडिया एक्ट करता है नैरेटिव्स चलते हैं तब तो इस चीज को भी एड्रेस करना जरूरी होता है द इफेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन मैरीटाइम ट्रेड यहाँ पे बेसिकली यही बात है कि अगर ब्लॉकेट्स चलते हैं तो फ्यूल का प्राइस अप होगा लॉजिस्टिक्स का प्राइस अप होगा हमने सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ लिया पढ़ लिया कर पैलेडियम और जो इनर्ट गैसेस हैं इनर्ट गैसेस फ्रॉम यूक्रेन पैलेडियम फ्रॉम रशिया ये दोनों रिक्वायर्ड है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस आएंगे और ये जो बेल्ट है जैसे यूक्रेन का बेल्ट है यहाँ मेजर वीट प्रोड्यूसर है ये वर्ल्ड का तो वर्ल्ड में ऐसा भी नहीं हो कि फूड शॉर्टेज या फिर ऐसा कुछ सीवियर क्राइसिस डेवलप हो सो द पॉइंट इज इस कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएटली एड्रेस करना जरूरी है मैरीटाइम ट्रेड अब इससे रिलेटेड हमने जैसे इम्पोर्टेंट सीज ऑफ द वर्ड देख लिया इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड देख लिया आज का जो सवाल है वो है आज का सवाल अबाउट मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी की ज्योग्राफी हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है इससे सवाल आते हैं मैरीटाइम ट्रेड अब जो नेक्स्ट है वो है इन द एज ऑफ मल्टीलिंगुअल मशीन इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि जैसे आजकल क्या होता है जैसे गूगल ट्रांसलेट भी है वो रियल टाइम पे ट्रांसलेट करे टू पीपल आर टॉकिंग वन इज़ स्पीकिंग इन तमिल अदर इज स्पीकिंग से तेलुगु बट गूगल उसको रियल टाइम पे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं तो मतलब लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर तो यही है मल्टीलिंग मशीन्स तो ये इस तरीके से एडवांस अलगोरिदम हो गए डिटेक्ट करता है और उसको चेंज करके डिस्टिंग डिस्टाइन जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देता है लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर लेट्स पेंट द टाउन रेड इसका मतलब क्या होता है वेन यू टेल समन यू आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड मतलब आप लोगों को बता रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो थॉरोली एंजॉइंग योर सेल्फ एक सॉन्ग भी है ना दिस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में पेंट द टाउन रेड ऐसा कुछ है उसमें सो पेंट द टाउन रेड सो दिस इज देयर और जो नेक्स्ट है वो है दिस वर्ड क्यूकॉटिक क्यूक

पहला तो हमें जैसे स्टेट और सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन हम डेली पढ़ रहे हैं पॉलिटी इन अ वे हमने पूरी पॉलिटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और विदिन ला, विद इन लास्ट वन मंथ बहुत सारी चीज़ें कर भी ली है अपन ने उसी के कॉन्टीन्यूशन में सेंटर और स्टेट रिलेशन्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं उस पर आप नोट तैयार करो संविधान में क्या लिखा है स्टेट और सेंटर के लजिस्लेटिव रिलेशंस फाइनेंशियल रिलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी में क्या होता है लाइक दैट प्रिपेयर दिस सेकेंड है जोग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन करना है ये मेडिटेरेनियन सी है सी दिस इज मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे जैसे गिब्राल्टर स्ट्रेट आ रहा है है ना फिर ये आइलैंड्स आ रहे हैं यूरोप है नीचे अफ्रीका है फिर ये मेडिटेरेनियन से ही ब्लैक सी कनेक्ट होता है फिर सी ऑफ अजोवर रशिया यूक्रेन सो ये पूरा पार्ट इम्पोर्टेंट है हमें प्राइमरली मेडिटेरेनियन में फोकस करना है इसके कौन से लिटोरल कंट्रीज़ हैं किन कंट्रीज़ में ओपनिंग है इंपॉर्टेंट सीज कौन से हैं मेडिटेरेनियन में

तो फर्स्ट है दिस आकाश का आंसर तो ये है चीफ मिनिस्टर पे आपने आर्टिकल 164 बताया पावर्स एंड फंक्शंस हैं ओके विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर 167 167 तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था और डिफरेंट उन्होंने एस्पेक्ट्स बताया चीफ मिनिस्टर के क्या क्या होते हैं लाइक पोर्टफोलियो होगा फंक्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है इसको बड़े अच्छे से डिटेल में लिखना था खुशबू आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो चीफ मिनिस्टर बताया आपने अपॉइंटमेंट कैसे होता है देन इसके बाद आर्टिकल वन सिक्स फोर ओथ टर्म सो द आइडिया इज सो सिंपल हम उसको अच्छे से पढ़ें और उसको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखें जब लिखेंगे तो हमें बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ पे होगी प्रोविजन रिलेशनशिप विद गवर्नर बताया वन सिक्स थ्री वन सिक्स फोर वन सिक्स सेवन इससे सवाल आएगा सेकेंड जो था वो लाइफ ऑफ बुद्धा था बेसिक्स हमें यहाँ पे बताने थे ताकि बुद्धिज्म फेवरेट टॉपिक है रिपीटिटिवली इससे क्वेश्चन आए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए बेसिक्स जिसे फोर नोबल ट्रुथ क्या होते हैं राइट एट फोल्ड पाथ क्या होता है कहाँ कहाँ हुई है क्या क्या हुई है लाइक दैट काजोल यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर बताया आपने टर्म्स सी सो ऑब्जेक्टिव एंड सो स्ट्रक्चर किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वेरी नाइस nice. ये सेकेंड आंसर है बुद्धा बुद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म बुद्धिज्म से बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आज की वर्ल्ड में बहुत रेलिवेंट है वायलेंस नॉन वायलेंस एट्सेट्रा कोड ऑफ कंडक्ट है प्रिसप्ट आपने बताए स्कूल्स ये इससे सवाल आते हैं महायान हीनयान थिरावदा वज्रयान जैन एट्सेट्रा देन बुद्धिस्त डॉक्ट्रेन है तो हमने ये बोधिसत्व है ना हर बार इससे सवाल आया वज्रपानी अवलोकेतेश्वर एट्सेट्रा मैत्रीय बुद्ध आया था टू थाउजेंड में तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल डन कंपैशन जरूरी है देन दिस इज आशा आप भी बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो अपॉइंटमेंट टर्म्स पावर रेस्पेक्ट गवर्नर एंड अदर फंक्शन वेरी नाइस दिस इज सेकेंड वन बुद्धाज लाइफ ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुखा समुदाय निरोध एंड मगा एट फोल्ड पाथ Of Buddhism. अब जैसे आपने ये गुड सो so, ये टॉपिक पढ़ लिया ना सी आपने कितनी सारी चीजें कवर कर ली दिस इज वाई दिस इज सो यूजफुल एंड सो यूटिलिटे आपका एक चीज से बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियवर हो रहे यही चीज आपको देखना यही काम आता है गुड आदित्य आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो सीएम के बारे में बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार सवाल आना चाहिए चीफ मिनिस्टर गवर्नर का साल भर हमने इन्हीं दोनों के बीच में फाइट देखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट लेजिस्लेटर एंड अदर पावर सो दिस इज वेरी नाइस इसको बहुत अच्छे से हमने तैयार किया है देन इसके बाद बुद्धा इससे भी सवाल आएगा कॉज कैसे हुआ बुद्धा का जर्नी आपने बताया बौद्ध गया सी डिसाइपल्स देन इसके बाद नोबल ट्रुथ है एट फोल्ड पाथ है काउंसिल्स फिर त्रिपिटिका है एंड दिस इज द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म वेरी नाइस देन सिग्निफिकेंस है गुड वेरी गुड दिस इज वेरी गुड दोज हुल वेज अवॉइडिंग किलिंग स्टेलिंग सेक्शुअल मिसकंडक्ट लाइंग एंड इन टॉक्सिकेशन ट्रेवल्स टूवर्ड्स हैप्पीनेस आकांक्षा सी हिंदी में कितने अच्छे से आंसर्स हम लिख सकते हैं सब लोग लिखो इतनी अच्छी कॉपी रहती है आकांक्षा की अच्छे से हिंदी में आंसर लिखा है ट्राई दिस इज रियली गुड चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल एंड लुक एट द स्ट्रक्चर कितना अच्छा है पढ़ना कितना आसान हो गया है और कॉन्टेंट भी अच्छा है दिस इज गुड ये सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स सिक्स एंड सिक्स सेवन वेरी नाइस देन बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए मार्ग कौन सा है पंचशील प्रमुख बौद्ध ग्रंथ तो देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज से हमने ये सारे सवाल तैयार कर लिए और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आएंगे देन दिस इज मुजम्मल आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है आपने दिस इज रियली रियली गुड तो हमने पहले बताया सी लिखना बहुत जरूरी होता है राइट राइट एंड राइट मोर चीफ मिनिस्टर गवर्नर इससे सवाल बनेगा चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विशाल यू आर अगेन रियली गुड एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिस्टमैटिक लाइफ ऑफ बुद्धा गुड एट फोल्ड पाथ पीस अब आपकी पुरानी कॉपी में देख रहा था और आज की कॉपी देखो आपको क्लियर इम्प्रूवमेंट दिखेगा राइटिंग में प्रेजेंटेशन में तो इसी कितने स्मॉल एफर्ट से हमको कितना गेन हुआ और ये गेन टेंजिबल भी रहेगा असल में यही चीज काम आती है बस गुड चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया आपने मैं यहाँ आप पे क्विक कर रहा हूँ बिकॉज अब आप सब लोग बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो बस इसको कंटिन्यू करना है ओके okay? आलम बहुत अच्छे से आपने एक ही पोस्ट में तीनों पेजेस लगाए दिस इज गुड टर्म ऑफ द सी एम पॉवर्स एंड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे सवाल बनेगा अदर फंक्शन आयोग एंड ऑल गुड बुद्धिज्म इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ही दिनों में हम जैनिज्म भी पढ़ेंगे बुद्धिज्म बिकॉज अभी का जो वर्ड है इसमें नॉन वायलेंस पीस कंपैशन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सुत्ता पिटिका बुद्धिस्त काउंसिल सी प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट दोनों बहुत अच्छा है वेल well डन नंबर थर्टी रियली गुड चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया अब हमने टेबलेट कर दिया लुक लर्न हर कॉपी से बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपन सीख सकते हैं रिमूवल सैलरी गुड वेरी गुड ये सारे पॉइंट्स हैं सीएम जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो चीफ मिनिस्टर हुआ और गवर्नर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है शुभम गौतम बुद्धा लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा वेरी गुड एंड लाइट वन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इससे क्वेश्चन बनेंगे ये देखिए तरीका बहुत अच्छा है अष्टांग का मार्ग त्रिरत्न तो हमने कितने अच्छे से समराइज किया समराइज तब करते हैं जब सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो दिस इज द प्राइमरी परपज हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग इट रियली रियली वेल जैसे ये जो अंडरस्टैंडिंग बताया टीचिंग इन मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट वंडरफुल देन चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया सी एम बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें पता होने चाहिए मीनू यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल वाई न्यूज़ अपॉइंटमेंट टर्म सी एम बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है सवाल आएंगे सी एम और गवर्नर ये दोनों बहुत हाई हिल्डिंग है आज की डेट में रिलेशनशिप वन सिक्स थ्री कॉन्स्टिट्यूशन सी पूरा टॉपिक तैयार हो गया हमारा वेरी नाइस रिया यू आर अगेन डूइंग सो वेल इलेक्शन ऑफ सी एम टेक्निकल पॉइंट्स हैं आपकी राइटिंग में भी बहुत प्रिसाइजनेस आने लग गया है विच इज़ रियली गुड वर्बोसिटी कम हो रही है

इसको और कंसोलिडेट करना है एडवांस्ड भी जो है उन सबको यहाँ पे लिखना है बुद्धिज्म से रिलेटेड फिर ये प्रियंका ने भी बहुत अच्छे से लिखा है टैबलेट किया है रियली really गुड आप टॉपिक पूरा थॉरली प्रिपेयर कर लेते हो रिविजन एट्सेट्रा दिस इज योअर स्ट्रेंथ वेरी गुड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट रत्ना प्रिया आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो आंसर्स आर रियली गुड एंड योर प्रेजेंटेशन राइटिंग एवरीथिंग इज रियली नाइस सो दिस इज गुड पॉइंट वाइज बताया हमने सीधा फैक्ट्स हैं गुड इससे क्या होगा रिवीजन इजी होगा हम लिख के देखते हैं ना तो वो याद भी हो जाता है अपने ये बुद्धिज्म प्रिपेयर कर लिया ना इससे देखना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आएंगे दिस इज गुड रियली गुड एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन फर्स्ट कॉपी और आज की कॉपी में देखो विद इन टेन डेज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ओके वेल डन दैन दिस इज शीतल योर हैंड राइटिंग इज रियली गुड प्रजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है ओथ टर्म एंड सैलरी सारे वन बाय वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने थे हैडिंग सब हैडिंग अंडरलाइन सिक्स एट सिक्स फोर सिक्स सेवन ओके सिक्स थ्री ओके दैन दिस इज गुड ओके गवर्नर एंड सी एम वेरी इंपॉर्टेंट प्रियंका दिस इज नेक्स्ट वन वन सिक्स थ्री फोर सिक्स 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 सेवन एंड सेवन 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 भी है यहाँ पे गुड अपॉइंटमेंट ओथ टर्म ये पूरा टॉपिक ही हो गया हमारा अच्छे से इससे सवाल बनते हैं वेरी नाइस देन दिस इज दमन वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग अपॉइंटमेंट ऑफ सी एम आफ्टर इलेक्शन पावर्स क्या हैं देन गवर्नर वेरी गुड तो अब हमें ना बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा जो फीडबैक होता है वो वैसे भी सटल होता है आप लोग अच्छे से कर रहे हो बस इसको कॉन्टिन्यू करो ब्रेक मत करो आपको खुद ही बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा पढ़ाई ट्रैक पे रहेगी आप बहुत अच्छा कर रहे हो कुछ इसी चीज को मेंटेन करना है हम मैराथन रन कर रहे हैं यहाँ पे स्पीड बनाए रखना है सो दिस इज गुड ये है आपका लाइफ ऑफ बुद्धा इसमें थोड़े और पॉइंट्स लिखते हैं अपन लाइफ ऑफ बुद्धा में अतुल चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गुड लैंग्वेज प्रोफिशंसी डी फैक्टो डी जूर अपॉइंटमेंट बताया आपने देन टर्म्स बताया सी रिवीजन में इतना हेल्प करेगा जो बुक है वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी हो जाएगी जब अपन ऐसे लिख रहे हैं दिस इज़ रियली गुड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ऑल इससे सवाल बनेंगे इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है देन दिस इज़ चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट राम नरेश वेरी सिस्टमेटिक एंड हार्ड वर्किंग रिलेशन टू द गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर रिवाइज रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स सवाल गलत नहीं होना चाहिए इससे सवाल बनेगा लाइफ ऑफ बुद्धा भी बहुत अच्छे से आपने बताया फैंटेस्टिक कॉज एंड इफेक्ट चार नोबल ट्रुथ होते हैं सफरिंग कॉज एंड पाथ टू एंड सफरिंग लुक लुक एट दिस कॉपी सो सिस्टमैटिक एवरीथिंग थिंग बहुत रेडेबल होता है तुरंत पढ़ने में आता है दिस इज रियली गुड देन बैड थिंग्स यूजफुल टर्म्स गुड कर्मा विजडम सी वेरी नाइस मीनू आपने बुद्धा पे ये तैयार किया है बुद्धिज़्म बिलीफ फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म हिस्ट्री टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म नोबल एंड लाइट पाथ वेरी गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत अच्छे से आपने बनाया भी है रियली नाइस कविता दिस इज रियली गुड आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है दिस इज़ हु इज द चीफ मिनिस्टर एलिजिबिलिटी तो सी हमने कितने अच्छे से समराइज किया सब्जेक्ट भी लर्निंग हो गया आंसर राइटिंग भी हो गया दिस इज गुड पावर्स एंड फंक्शन वन सिक्स थ्री इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे हिंदी में भी आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो दिस इज़ मुख्यमंत्री के पद नियुक्ति कैसे होती है ए बी सी डी कार्यकाल शक्तियां राज्यपाल के संबंध में देन अनुच्छेद लिखे वेरी नाइस देन ये है सेकंड वन बुद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में इससे सवाल आते हैं इसको और भी हमें एलैबोरेट करना है आगे और पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और वर्तमान समय में ये क्यों इतना जरूरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है निष्कर्ष वेरी गुड आरती नीट एंड क्लीन वर्क वंस अगेन अर्ली लाइफ गौतम के बारे में बताया आपने टीचिंग्स हैं देन फोर नोबल ट्रुथ एट फोल्ड पाथ सिग्निफिकेंस प्रेजेंट डे में क्या है इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समबडी इट विल आल्सो ब्राइटन योर पाथ वेरी नाइस ममता आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो दिस इज डे वन इसको कंटिन्यू करना डे वन में ही बहुत अच्छा आंसर है आप थोड़े दिन देखो और यू विल सी वेरी गुड इंप्रूवमेंट राइटिंग Content, context, Chief 163 इस बहाने हमारा पूरा पॉलिटी हमने आधे से ज्यादा ऐसे कवर कर लिया पावर्स एंड फंक्शन गवर्नर वेरी नाइस सो ये सारे थे सबमिशन और ये है सेवेंथ ऑफ मार्च अब इस पे आंसर लिखना है प्लस टू में अपन इसको भी डिस्कस करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ